He must have had exposure to more affluent situations than people. ब्राह्मण होने के कारण उसका जो एक्सपोजर था, एक्सपोजर मतलब अनुभव, उसका जो अनुभव था वो ज़्यादा एफ्लुएंट सिचुएशन में था, ज़्यादा समृद्ध, एफ्लुएंट यानी समृद्ध. इन दैट सोसाइटी लिव्स एफ्लुएंट पीपल. उस सोसाइटी में, वहाँ जो फ्लैट्स बने हैं उसमें समृद्ध लोग रहते हैं, ज़्यादा समृद्ध, उसे कहते हैं एफ्लुएंट. राइट, सो ए डबल एफ यू एल आई एन टी, एफ्लुएंट मतलब समृद्ध. ज़्यादा अच्छी स्थिति में और ज़्यादा अच्छे लोगों के बीच में हो सकता है उसे काम करने का अनुभव रहा हो, इसीलिए वो वहाँ पहुँच गया. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, हमेशा वो खुश रहता था. यहाँ देखिए, सब्बू के अच्छे गुणों की बात कर रहा है या सब्बू के गुणों की बात कर रहा है. ऑथर इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द कैरेक्टर ऑफ सब्बू. सब्बू एजुकेशन, सब्बू वर्क इन हार्ड टाइम्स, स्ट्रगल्ड इन हार्ड टाइम्स. उस ज़माने में वो मेकअप में काम करना शुरू किया जब फिल्म चलेगी कि नहीं, फिल्मी दुनिया क्या है ये कुछ नहीं मालूम था. सो ही हैड कम थ्रू ए हार्ड वे अप. और उसकी एक खासियत थी कि हमेशा वो खुश दिखाई देता था. ही हैड द एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एट ऑल टाइम्स, हमेशा खुश दिखने की उसमें क्षमता थी. एबिलिटी मतलब क्षमता होना. किस बात की क्षमता थी? हमेशा खुश दिखने की. मस्त रहता था वो, खुश रहता था सब्बू, और हमेशा खुश रहता था. तब भी खुश रहता था जब सिनेमा फ्लॉप हो जाती थी, तो भी, इवन आफ्टर हैविंग हैड ए हैंड इन ए फ्लॉप फिल्म. किसी फ्लॉप फिल्म में भी यदि उसने कुछ काम किया हो तो भी वो खुश रहता था, हमेशा मुस्कुराते रहता था, खुश दिखाई देता था. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उसने हमेशा किसी दूसरे के लिए काम किया. वो अपने स्वयं के लिए कभी काम कर ही नहीं पाया. ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, उसके पास हमेशा दूसरों के लिए काम था. ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, वो स्वयं कुछ काम नहीं कर सकता था, दूसरों के लिए उसके पास हमेशा काम था. अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं कर सकता था, अपना स्वयं खुद नहीं कर सकता था. बट हिज सेंस ऑफ लॉयल्टी मेड हिम आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल, लेकिन वो इतना लॉयल था, इतना अपने बॉस के प्रति समर्पित था. प्रिंसिपल मतलब मुखिया. स्कूलों में प्रिंसिपल होते हैं ना, प्राचार्य, उसका दूसरा अर्थ है मुखिया. क्योंकि प्राचार्य मुखिया होते हैं इसीलिए उसे प्रिंसिपल बोलते हैं. सो ये जो सब्बू था, सब्बू वॉज ऑल्सो सेंस ऑफ लॉयल्टी. लॉयल्टी मतलब तो आप जानते हैं, किसी के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना. सेंस समझ, तो वो पूरी तरह से समर्पित था. किसके प्रति? अपने बॉस के प्रति. इतना ज़्यादा कि ही आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विथ हिज प्रिंसिपल कम्प्लीटली, वो उसको लोग बॉस के साथ ही जोड़ के देखते थे, इतना ज़्यादा समर्पित था वो. बॉस की हमेशा हाँ में हाँ मिलाना या क्या जो भी था, पर वो पूर्ण रूपेण समर्पित दिखाई देता था अपने बॉस के प्रति, निष्ठावान दिखाई देता था, समर्पित दिखाई देता था. लॉयल होना मतलब निष्ठावान होना भी, और हमेशा मुस्कुराता रहता था. टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, और जितनी उसकी रचनात्मक जो कला थी वो अपने मुखिया के अनुसार उसको बदल देता था, ढाल सकने की क्षमता थी. टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, प्रिंसिपल के लाभ के लिए, अपने मुखिया के लाभ के लिए वो अपना सारी रचनात्मकता को डाल दिया था, झोंक दिया था उसने. मतलब पूरी तरह न्योछावर था, समर्पित था, निष्ठावान था. टर्न मतलब बदल देना, और टर्न माने मोड़. ही टर्न हिज एंटायर क्रिएटिविटी मतलब रचनात्मकता
टू हिज प्रिंसिपल्स एडवांटेज, अपने मालिक के फायदे के लिए उसने अपनी पूरी जो रचनात्मकता, रचनात्मक गुण था, उसको समर्पित कर दिया था। मतलब आप सोच सकते हैं कि सुब्बू कितना लॉयल रहा होगा। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, वो फिल्म के लिए टेलर मेड था। टेलर मेड मतलब क्या होता है? टेलर माने दर्जी, और टेलर मेड मतलब दर्जी जैसा बनाता है, बिल्कुल फिट, उसी के लायक कपड़ा बनाता है दर्जी, तो शरीर के लायक बनाता है, जिसका नाप वो लेता है उस शरीर के लायक बनाता है। तो ऐसा लगता है दिस इज टेलर। आप बाज़ार जब जाते हैं और वहाँ आपने एक शर्ट पहनी और शर्ट आपको बिल्कुल बढ़िया आई, तो आप क्या बोलेंगे? दिस शर्ट इज स्टिच्ड सो वेल एज इफ इट इज़ टेलर मेड। ऐसा लगता है कि ये मानो शर्ट मेरे लिए ही बनी है, तब कहते हैं टेलर मेड। तो यहाँ पर ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि ये जो आदमी है ये फिल्म के लिए ही बना हुआ है। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म। हियर वॉज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड। यहाँ एक आदमी था जिसे कमांड करके प्रेरणा प्रेरित किया जा सकता था, आदेश दे के प्रेरित किया जा सकता था। हु कुड बी इंस्पायर्ड, टू बी इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित होना, जिसे प्रेरित किया जा सकता था। विज इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, टू कमांड मतलब आदेश देना, आदेश देकर भी उसे प्रेरित किया जा सकता था, ये वो आदमी था। हियर वॉज ए मैन, द रैट फाइट द टाइग्रेस अंडर वाटर। बहुत बढ़िया एक उक्ति है यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में, द रैट फाइट्स द टाइग्रेस अंडर वाटर। चूहा जो है वो टाइग्रेस, फीमेल टाइगर की बात हो रही है, उससे पानी के अंदर लड़ लेगा, एंड किल्स हर, और उसको मार भी डालेगा, बट टेक्स पिटी ऑन द कब्स एंड टेंड्स देम लविंगली। लेकिन कब जो है, कब यानी शेर का बच्चा, टाइगर का बच्चा, कब CUB कब यानी बच्चा, उनके बच्चों पर दया करेगा, पिटी यानी दया, पिटी यानी दया, बच्चों पर दया करेगा और उसको पालेगा भी। टेंड करना यानी पालन पोषण करना, टू टेंड माने पालन पोषण करना। सो ही विल टेंड, द रैट विल किल द टाइग्रेस अंडर वाटर, विल फाइट विद द टाइग्रेस, विल किल इट, बट विल टेक केयर ऑफ द कब। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, ऐसा वो कभी नहीं बोलेगा। दिस इज ए सेंटेंस, आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, द प्रोड्यूसर वुड से, एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ फोर वेज। प्रोड्यूसर जो है, जो सिनेमा बनाने वाला है, यदि सिनेमा कोई सा बन रहा है, किसी की शूटिंग हो रही हो, तो कई बार ऐसा मौका आता है जब प्रोड्यूसर समझ नहीं पाता कि ये सीन कैसे बनाए, कौन सा सीन अच्छा रहेगा, उस सीन में क्या क्या रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, और वो समस्या में उलझा हुआ है। एक और वहाँ सुब्बू में ये क्षमता थी कि वो चार चार हल लेके आ जाएगा, फोर सॉल्यूशंस, ही विल ब्रिंग फोर ऑप्शंस, ही वॉज सच ए ब्रिलियंट गाय। फोर वेज ऑफ रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, चार चार रैट पोरिंग अफेक्शन मतलब क्या हुआ? टू पोर माने डालना, चूहे जैसा प्यार डालना, उड़ेलना, अफेक्शन मतलब स्नेह, चूहे जैसा, जो चूहे की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने टाइग्रेस को तो भले मार दे, उस पर हमला कर दे, लेकिन उसके बच्चे को पालेगी, चूहा प्यार करेगा, स्नेह देगा। उसी प्रकार सुब्बू जी भी थे, जो
एक प्रोड्यूसर यदि कभी समस्या में हो कि ये क्या दृश्य यहाँ पे बनाए सिनेमा के लिए, तो ये जनाब चार चार ऑप्शन लेके आ जाते थे मानो, और बिल्कुल समर्पित तरीके से, रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। विक्टिम मतलब शिकारी, शिकार, विक्टिम यानी शिकार। तो रैट का विक्टिम क्या कौन था? ऑफ टाइग्रेस, और ऑफ स्प्रिंग मैंने बच्चा, टाइग्रेस के बच्चे यानी कब, ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चा, राइट, ओ डबल एफ एस पी आर आई एन जी, ऑफ स्प्रिंग यानी कब, यहाँ पर कब, और वैसे ऑफ स्प्रिंग मैंने बच्चा, किसी का भी बच्चा ऑफ स्प्रिंग कहलाता। तो यहाँ पर वो मानो एक और प्रोड्यूसर समस्या में उलझा हुआ है, यहाँ बिल्कुल चार चार ऑप्शन लेके आ जाएंगे मानो ऐसे कि जैसे कि पूरा अपना स्नेह उसने उंडेल दिया हो। किसने? सुब्बू ने। किसके जैसे? वैसे जैसे रैकेट रैट जो है, चूहा जो है, अपना पूरा स्नेह कप पे उंडेल देता। द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ फोर वेज ऑफ द रैट प्रोड्यूसिंग अफेक्शन, रैट पोरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग। गुड, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इफेक्टिव इनफ। इन्वर्टेड कॉमा, ये किसने कहा? प्रोड्यूसर। हो सकता है प्रोड्यूसर बोले, अच्छा तुमने चार बताए तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये प्रभावशील ना हो, प्रभावशाली ना हो। इफेक्टिव यानी प्रभावशाली। गुड, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं लगता कि ये प्रभावशाली रहेगा। सुबह तुमने जो सीन का दृश्य क्रिएट किया है, बताया है, मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, कोई प्रभावशाली रहेगा ऐसा नहीं लग रहा है। जैसे ही ऐसा होगा, इफेक्टिव इनफ मतलब पर्याप्त प्रभावशाली, इनफ माने पर्याप्त। तो हो सकता है वो चार ऑप्शन लाए और यहाँ प्रोड्यूसर बोले नहीं मज़ा नहीं आ रहा यार, तो सुब्बू जो हैं, सुब्बू वुड कम फॉरवर्ड इन ए मिनट विथ 14 मोर ऑल्टरनेटिव्स। सुब्बू जी ऐसे थे कि वो और दर्जन भर ऑल्टरनेटिव लेके सामने आ जाते थे, इतना दिमाग चलता था, इतना तेज था वो। ही वॉज सच ए स्मार्ट गाय, और स्मार्ट तो था ही, वॉज वेरी लॉयल, वेरी अफेक्शनेट, वेरी डेडिकेटेड, समर्पित, निष्ठावान, सब था उसमें। हमेशा तैयार रहता था अपने मालिक के लिए सब कुछ करने के लिए। मालिक को बस समस्या में ना देखे, और मालिक समस्या में दिखाई दिया बॉस, तो तुरंत उसके उसकी समस्या के निराकरण के लिए वो तैयार रहता था। जैसे ये उदाहरण, उसमें एक क्षमता थी कि 12-15 ऑल्टरनेटिव लेके आ सकता था वो। ही वुड ब्रिंग सो मैनी ऑल्टरनेटिव, एंड इन ए मिनट सुब्बू वुड कम आउट विथ 14 मोर ऑल्टरनेटिव। फिल्म मेकिंग मस्ट हैव बीन एंड वॉज सो ईजी विथ ए मैन लाइक सुब्बू। सुब्बू जैसे आदमी के साथ फिल्म बनाना बहुत सरल काम रहा होगा, मस्ट हैव बीन ईजी। सुब्बू जैसे आदमी के साथ सिनेमा बनाना एक बहुत सरल काम रहा होगा, सुब्बू जैसे आदमी के आसपास होने थे। विथ सुब्बू अराउंड, विथ यू अराउंड आई फील हैप्पी, तुम्हारे आसपास रहने से मुझे खुशी होती है। आई लव विथ एनिमल्स अराउंड, जानवरों के आसपास रहने से मुझे बड़ी खुशी होती है। सो विथ सुब्बू अराउंड प्रोड्यूसर मस्ट हैव फाउंड फिल्म मेकिंग मच ईजियर, क्योंकि सुब्बू के पास हर समस्या का निराकरण होता था, सॉल्यूशन था, समर्पित था, आखिर निष्ठावान था तो क्यों नहीं रहेगा। एंड इफ एवर देयर वाज अ मैन हु गिव डायरेक्शन एंड डेफिनेशन टू जेमिनी स्टूडियो, और यदि कोई आदमी था जो जेमिनी स्टूडियो में डायरेक्शन करे, उसको परिभाषित करे, और यदि कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने जेमिनी के गोल्डन ईयर्स में, उसके स्वर्णिम काल में उसको बेहतर परिभाषित किया हो,
जेमिनी स्टूडियो को बेहतर इमेज दिया हो तो उसके लिए सुब्बू ही जिम्मेदार था। इट वॉज सुब्बू एंड सुब्बू अलोन। देखिए सुब्बू के बारे में कितनी अच्छी बातें यहाँ ऑथर बता रहे हैं और ये आपके लिए भी प्रेरणा की बात है। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, दैट इज ऑल मेंशन्ड हियर। सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी एज ए पोएट। सुब्बू जो है एक कवि के नाते उसकी एक अलग पहचान थी। आइडेंटिटी माने पहचान, आइडेंटिटी कार्ड यानी पहचान पत्र। सो सुब्बू हैड ए सेपरेट आइडेंटिटी, एक अलग पहचान थी उसकी। किस रूप में? एक कवि के रूप में। एंड दो ही वॉज सर्टनली केपेबल ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स एंड हायर फॉर्म्स, और यद्यपि, दो मतलब यद्यपि, ही वॉज केपेबल ऑफ, वह समर्थ था, यद्यपि वह और ज़्यादा जोखिम भरे कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा ऊंचे स्तर के काम करने के लिए सक्षम था, समर्थ था, ही डिलिबरेटली चोज टू एड्रेस हिज पोएट्री टू द मासेस। उसने जानबूझकर, डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर, उसने जानबूझकर अपनी कविताएं जनता को समर्पित की थी। ही चोज टू एड्रेस, देखिए चूज चोज चोजन, चूज करना मतलब चुनना, और यहाँ CHOSE उसका भूतकाल है, चोज माने चुना। ही चोज टू एड्रेस, टू एड्रेस मतलब समर्पित करना, उनको देना, उनके लिए लिखना। किनके लिए? मासेस यानी जनता जनार्दन के लिए वो कविता लिखता था। यद्यपि उसमें बहुत बड़ी क्षमता थी और ऊंचे स्तर की कविता लिखने की, और एक पोएट के नाते एक अलग उसकी जो पहचान थी, और उसके अलावा वो ज़्यादा जटिल गूढ़ कविताएं लिखने की क्षमता रखता था, लेकिन उसने जनता के लिए कविता लिखी और जानबूझकर लिखी। डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर। यू डिलिबरेटली केम लेट टू माई हाउस, तुम जानबूझकर मेरे घर लेट आए। यू डिलिबरेटली पुश्ड मी, तुमने जानबूझकर मुझे धक्का दिया। जानबूझ करके का उल्टा क्या होगा? अनजाने में। अनजाने के लिए अंग्रेजी में क्या है? अननोइंगली। अननोइंगली, अननोइंगली मतलब अनजाने में। नो 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 नो, आई डिड नॉट पुश यू डिलिबरेटली, इट वॉज अननोइंगली डन, वो अनजाने में हो गया। राइट, सो हियर वी कम। सो अशोक मित्रन सेज के सुब्बू जो थे उनमें बहुत बड़ी क्वालिटी थी, एक अच्छे स्तर के पोएट भी थे, अच्छे कवि भी थे, पहचान थी और इतनी समर्थता भी थी कि वो और अच्छी कविता लिख सकते थे और ज़्यादा ऊंचाइयों पे पहुंच सकते थे, हायर फॉर्म्स, और ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच सकते थे, लेकिन जानबूझकर उन्होंने जनता के लिए कविता लिखी। हिज सक्सेस इन फिल्म ओवर शेडोड एंड ड्वार्फ हिज लिटरेरी अचीवमेंट। फिल्मों में उनकी सफलता ने उनकी साहित्यिक जो उपलब्धियां थीं उनको छिपा दिया, उनको बौना बना दिया। ओवर शेडो कर देना मतलब किसी के द्वारा छिपा दिया जाना, ओवर शेडोड। आई एम ओवर शेडोड बाय द पर्सनैलिटी ऑफ माई नेबर, मैं अपने पड़ोसी के पर्सनालिटी के छाया में दब गया हूँ। राइट, सो ओवर शेडोड हिज फिल्म्स, ओवर शेडोड व्हाट? हिज लिटरेरी स्किल, उनकी जो साहित्यिक क्षमता थी वो छुप गई, कहाँ? फिल्म के कारण, और उसको बौना बना दी। ड्वार्फ मतलब बौना, टू ड्वार्फ मतलब बौना बनाना, छोटा बना देना। तो दूसरे ऑथर इज ट्राइंग टू से दैट ही वॉज एक्सेलेंट इन द फिल्म इंडस्ट्री, हिज लिटरेरी वर्क, बट हिज वर्क इन फिल्म मेड हिम मोर फेमस। कई बार होता है ना,
आई एम एक्सेलेंट इन फुटबॉल बट एट द सेम टाइम आई एम वेरी गुड एट इन पॉलिटिक्स. तो मेरी जो फुटबॉल की जो स्किल है उसको लोग भूल गए और पॉलिटिक्स में याद रखते हैं. राजनीति मेरी ज़्यादा चर्चित है. सो आई एम ओवर शेडोड. माई फुटबॉल स्किल्स आर ओवर शेडोड बाय माई स्किल इन पॉलिटिक्स एंड माई स्किल इन पॉलिटिक्स है ड्वार्फ माई फुटबॉल स्किल्स. सो सिमिलरली हियर दिस मैन हिज सक्सेसेस इन हिज फिल्म ओवर शेडोड एंड ड्वार्फ्ड हिज लिटररी अचीवमेंट. उनके साहित्यिक उपलब्धियों को उसने बौना बना दिया सब फिल्म ने, उसकी फिल्म की सफलताओं ने. और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट, कम से कम उसके आलोचकों का तो यही कहना था, क्रिटिक्स मतलब आलोचक, एंड सो मतलब और कम से कम मतलब न्यूनतम नहीं, कम से कम मतलब जैसे हम कहते हैं और कम से कम तुम तो मत बोलो. तो वहाँ पहुँचो और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट. ऑथर सेज कि कम से कम उनके जो आलोचक थे उनका कहना था कि भाई फिल्म की सफलताओं ने उसकी साहित्यिक उपलब्धियों को बौना बना दिया है, अर्थात फिल्में और ज़्यादा सफल हुई. ही कंपोज सेवरल ट्रूली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स. सेवरल बहुत सारी, ट्रूली वास्तव में, ओरिजिनल मतलब मूल, बहुत सारी वास्तव में उसने मूल ट्रेवल मूल स्टोरी पोएम्स लिखी. स्टोरी पोएम्स इन फोक रिफ्रेन, लोक रंग में. रिफ्रेन मतलब लोक संगीत, फोक रिफ्रेन माने लोक, फोक माने जनता, फोक्स माने FOLK, फोक माने जनता. लेकिन फोक म्यूजिक मतलब लोक संगीत, फोक डांस लोक नृत्य, फोक सॉन्ग लोक गीत. छत्तीसगढ़ का अपना फोक डांस है, हर क्षेत्र का अपना अपना फोक डांस होता है, हर संस्कृति का. तो यहाँ पर ऑथर इज सेइंग दैट ही कंपोज मैनी ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स, कथा कविताएं, कथा कविताएं, स्टोरी पोएम, ऐसी लंबी लंबी कविताएं जो जिसमें कथा हो, किसी कहानी को लेकर कविता लिखना, उसे कहते हैं स्टोरी पोएम. सो ही रोट मैनी पोएम इन फोक रिफ्रेन. रिफ्रेन मतलब क्या होता है, बार बार जो रिपीट होता है, रिफ्रेन. और एक टू रिफ्रेन मतलब होता है दूर रहना. रिफ्रेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, इफ यू आर ए गुड बॉय रिफ्रेन फ्रॉम बैड हैबिट्स, यदि तुम अच्छे लड़के हो तो बुरी आदतों से दूर रहो. और रिफ्रेन मतलब बार बार बोलने वाली लाइन, बोलने वाली आवाज़, बोलने वाला संगीत धुन, उसे रिफ्रेन कहते हैं. सो यहाँ पर इन फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन, और डिक्शन मतलब लहजा, फोक संगीत के लहजे में. हर फोक संगीत का एक अपना तरीका होता है बोलने की शैली. छत्तीसगढ़ी डांस जब आप देखेंगे या छत्तीसगढ़ी संगीत सुनेंगे, पंडवानी, पंडवानी क्या है, इट इज़ ए स्टोरी पोयम. लंबी एक कहानी है जिसको कविता के रूप में, उसको जब गाते हैं तो एक खास तरीके की ड्रेस पहनी जाती है जिसे फोक ड्रेस कह सकते हैं, और उसको खास आवाज़ में, छत्तीसगढ़ी भाषा में खास लहजे में बोला जाता है. तो दैट इज़ कॉल्ड फोक रिफ्रेन. तो उसको फोक तरीके से बोला, डिक्शन उस लहजे, डिक्शन माने लहजा. एंड ऑल्सो रोट ए स्प्रॉलिंग नॉवेल, और स्प्रॉलिंग माने बहुत विशाल, स्प्रॉलिंग माने विशाल. यू हैव ए स्प्रॉलिंग बंगलो, अमिताभ बच्चन हैज़ ए स्प्रॉलिंग बंगलो इन मुंबई, टाइटल द आशीर्वाद. अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा विशाल बंगला है बम्बई में जिसका नाम है आशीर्वाद. स्प्रॉलिंग माने विशाल. सो ही रोट ए वेरी स्प्रॉलिंग नॉवेल, बड़ा विशाल उसने उपन्यास भी लिखा, और उस उपन्यास का नाम क्या था, थेलन्ना मोहन अम्बल.
थिलन्ना मोहन अम्बल उस उपन्यास का नाम था, विद डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एग्ड कैरेक्टर्स। डेफ्टली मतलब बड़ी बारीकी से, सोच समझ के साथ, बड़ी कुशलता से। एग्ड कैरेक्टर बड़ी कुशलता से बनाए गए चरित्र हैं उसमें। किसमें? उस नॉवेल में। कैसा नॉवेल? विशाल नॉवेल जो था, जो सुब्बू ने लिखा है, उसमें जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं बड़ी बारीकी से, बड़ी सोच समझकर, बहुत सोच समझकर उस कहानी के कैरेक्टर्स को तय किया सुब्बू ने। डजन्स ऑफ वेरी डेफ्टली एग्ड कैरेक्टर बहुत सारे उसमें हैं। डजन्स मतलब दर्जनों, दर्जन नहीं, दर्जनों, दर्जनों उसमें जो कैरेक्टर हैं, अलग अलग नाम हैं, बड़ी बारीकी से उन कैरेक्टर के व्यक्तित्व को कवि ने, सुब्बू ने अपनी स्टोरी पोयम में बताया है। ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड। रिक्रिएट मतलब पुनर्स्थापित करना, पुनः बनाना। सुब्बू क्वाइट सक्सेसफुली, सुब्बू ने बड़ी सफलतापूर्वक उस पुस्तक में मूड और मैनर, तरीका देवदासियों का उसमें बताया है। देवदासी कौन होती थी? देवदासियां पुराने जमाने में राज दरबारों में या धनाढ्य वर्ग के घरों में, खासकर मंदिरों में जो नृत्य करती थीं। इनके बारे में आपको और विस्तार से अध्ययन करने की ज़रूरत है। देवदासियों का इतिहास एक बहुत रोचक इतिहास रहा है और बड़ा रिच इतिहास रहा है, वेरी रिच हिस्ट्री दे हैड। देवदासी प्रथा कुछ वर्षों पूर्व तक, 40-50 वर्षों पूर्व तक थी, अब वो प्रथा पूरी तरह लुप्त प्राय हो गई है। बट स्टडी ऑफ देवदासी विल रिवील मैनी मैनी इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ आवर पास्ट हिस्ट्री, बोथ इंटरेस्टिंग एंड सैड, बोथ काइंड ऑफ पिक्चर विल कम आउट ऑफ देवदासी स्टोरी। यहाँ पे वो कहता है कि सुब्बू ने जो लिखा है देवदासी पर, वो बड़ा लाइवली है, पूरा रिक्रिएट कर दिया है उसने, मानो जीवंत बना दिया। रिक्रिएट करना मतलब जीवंत बना देना। सफलतापूर्वक उसने उस काल के 20वीं शताब्दी के शुरुआत में जो देवदासी प्रथा थी, उसको अपनी इस स्टोरी पोयम में एक तरीके से मानो जीवंत कर दिया हो। इतनी बढ़िया कविता लिखा है उसने सुब्बू ने, इतना बढ़िया उपन्यास है वो मोटा वाला जो है। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर, और बहुत अच्छा एक्टर भी है। अमेजिंग मतलब शानदार। यू अमेज्ड मी मतलब तुमने मुझे चौंका दिया, तुमने मुझे चौंका दिया, और अमेजिंग मतलब शानदार। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। ही नेवर एस्पायर टू लीड रोल्स। टू एस्पायर करना मतलब किसी चीज के लिए ललक होना। ही नेवर एस्पायर्ड, उसमें कभी अपने, उसने कभी ललक नहीं रखी किस चीज़ की? टू बी एन एक्टर, एक्टर बनने के लिए कभी भी उसने इच्छा नहीं दिखाई। टू आई एस्पायर टू बी ए पार्ट ऑफ योर टीम, मैं आपके टीम का हिस्सा बनने की ललक रखता हूँ, तीव्र इच्छा रखता हूँ। लेकिन यहाँ सुब्बू नेवर एस्पायर टू बिकम एन एक्टर। He was a poet. He was a big novelist. He wrote novel, voluminous, big novel, जिसमें उसने देवदासी प्रथा पर भी लिखा है काफ़ी। And successfully he showed the mood and manners of देवदासी, देवदासियों के व्यवहार और देवदासियों के जीवन में जो उतार चढ़ाव हैं, उसको बड़ी सफलतापूर्वक उसने अपनी उस किताब में लिखा है। ही उदन, यद्यपि वो बहुत शानदार एक्टर है, लेकिन एक्टर था, लेकिन कभी हीरो बनने की, कभी एक्टर बनने की इच्छा उसने नहीं दिखाई। बट वॉट एवर सब्सिडियरी रोल ही प्लेड इन एनी ऑफ द फिल्म, ही परफॉर्म बेटर दैन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स। लेकिन उसने किसी भी फिल्म में यदि कोई सा भी सब्सिडियरी रोल किया, सब्सिडियरी मतलब
छोटा, मेन नहीं, मेन का उल्टा होता है सब्सिडियरी। मेन इंडस्ट्री और सब्सिडियरी इंडस्ट्री, जिसे अंग्रेजी में एंसिलियरी इंडस्ट्री भी कहते हैं, मुख्य उद्योग और मुख्य उद्योग से जुड़े हुए छोटे छोटे कुछ उद्योग खुल जाते हैं, उसे कहते हैं सब्सिडियरी इंडस्ट्री। जैसे मुख्य उद्योग क्या हुआ, लोहा का कारखाना। अब लोहे के कारखाने से ये तो मेन हो गया, अब एंसिलियरी या सब्सिडियरी इंडस्ट्री क्या है? लोहे के कारखाने से राख निकलती है, उस राख से ईंट बनाना, ये एक साइड उद्योग हो गया, ये सब्सिडियरी इंडस्ट्री। लोहे के कारखाने से बहुत सारा वेस्ट लोहा निकलता है छोटा छोटा, उस वेस्ट लोहे को उस वेस्ट से निकालने की इंडस्ट्री भी एक होती है, तो दीज आर कॉल्ड सब्सिडियरी इंडस्ट्री। तो यहाँ पर ऑथर कह रहा है कि सुब्बू मेन रोल तो कभी नहीं किया, हमेशा वो सेकेंडरी रोल किया, सब्सिडियरी रोल किया, लेकिन सब्सिडियरी रोल भी इतना शानदार कि मेन कैरेक्टर जो होता था वो भी पीछे हो जाता था। ही परफॉर्म बेटर देन द मेन प्लेयर्स, जो फिल्मों में जो मेन हीरो हीरोइन रहते थे उनसे भी ज़्यादा वो अच्छी एक्टिंग कर लेता था। ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस, जो भी उससे मिलता था, जिससे भी वो टकराता था, टू कम अक्रॉस मतलब आमना सामना होना, टू कम अक्रॉस जिससे भी उसका सामना होता था, उसके साथ वो जेन्युइन लव के साथ मिलता, जेन्युइन मतलब सच्चा प्यार के साथ मिलता, दिखावा नहीं करता था वो, कभी भी उसने दिखावा नहीं किया, वो हमेशा बड़े प्यार से, सच्चे प्यार से मिलता था, तहे दिल से मिलता था। मेन प्लेयर, सो ही परफॉर्म बेटर देन द सपोज्ड मेन प्लेयर्स, ही हैड ए जेन्युइन लव, जेन्युइन मतलब वास्तविक सच्चा लव फॉर एनीवन ही केम अक्रॉस एट हिज हाउस, अपने आसपास जब भी उसका किसी से सामना होता था तो बड़े प्यार से मिलता था, बड़े स्नेह से मिलता था। एंड हिज हाउस वॉज ए परमानेंट रेसिडेंस फॉर डजन्स ऑफ नियर एंड फार रिलेशंस, उसका जो घर था वो दर्जनों रिश्तेदारों से भरा रहता था। हिज हाउस वॉज परमानेंट रेसिडेंट, स्थायी निवास बन गया था दर्जनों लोगों के लिए जो उसके निकट के रिश्तेदार थे या दूरस्थ रिश्तेदार थे। नियर एंड फार, निकट के और दूरस्थ, फार माने दूर, फार माने रिमोट माने दूर, फार माने दूर, तो जो उसके रिमोट रिलेटिव थे, दूर थे भी जो रिश्तेदार थे और निकट के भी जो रिश्तेदार थे, उन सब के साथ उसके बड़े अच्छे संबंध थे। और ये सब रिश्तेदार जिनकी संख्या दर्जनों थी वो उसके घर में एक तरीके से स्थायी निवासी जैसे रह रहे थे। एंड एक्वाइंटेंसेस, एक्वाइंटेंस माने परिचित, रिलेटिव्स एंड एक्वाइंटेंसेस, तो एक्वाइंटेंस मतलब परिचित, राइट, एक्वाइंटेंस, टू बी एक्वाइंटेड विथ मतलब मालूम होना, परिचित होना। आई एम नॉट एक्वाइंटेड विथ माय प्रिंसिपल, मेरा मेरे प्रिंसिपल से कोई परिचय नहीं है, मैं नहीं जानता कौन है। टू बी एक्वाइंटेड विथ मतलब परिचय होना और मालूम होना। आई एम नॉट एक्वाइंटेड विथ द आर्ट ऑफ ड्राइविंग, कार चलाने की कला से मैं वाकिफ नहीं हूँ, वहाँ भी बोलते हैं आप आई एम नॉट एक्वाइंटेड विथ। सो एक्वाइंटेंस मतलब परिचित, सो दर्जनों परिचित लोग, दर्जनों रिश्तेदार लोग उसके घर में रहते थे, परमानेंट डले रहते थे, डले रहना, इतना वो केयर फ्री बिंदास आदमी था, सबको प्यार करता था, बड़ा अच्छा लेखक भी था, कवि भी था, देवदासी प्रथा पे इतना बढ़िया लिखा था, अपने बॉस को पूरी तरह समर्पित था, क्या नहीं था उसमें। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मेनी ऑफ देम, इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर,
नेचर माने प्रकृति। एक तो नेचर होता है जिसको हम कहते हैं पर्यावरण का नेचर, और एक नेचर मतलब प्रवृत्ति। मेरा नेचर अच्छा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि उसका नेचर बड़ा अच्छा है, तो प्रवृत्ति प्रकृति स्वभाव। सो इट वॉज अगेंस्ट सुब्बूज नेचर, ये सुब्बू के स्वभाव के खिलाफ था कि वो ये जाने कि उसके घर में कितने लोग खा रहे हैं और कितने लोगों को वो खिला रहा है, सपोर्ट कर रहा है, उसके नेचर में नहीं था। अर्थात बड़ा बिंदास आदमी था, खुले दिल का आदमी था, कतई वो इस बात के लिए चिंतित ही नहीं था, सोचता भी नहीं था कि मेरे घर में कितने लोग हैं, किनको खिलाना पिलाना है, कितने लोग मेरे यहाँ रह रहे हैं, मैं कितनों पे खर्चा कर रहा हूँ। ही वॉज नेवर बॉदर्ड अबाउट इट। इट वॉज इट सीम्ड टू सीम माने महसूस होना, जैसे मैंने पहले बताया, इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब कॉन्शियस होना मतलब जागना, सजग होना। दैट ही वॉज फीडिंग, टू फीड माने खिलाना पिलाना। द बर्ड इज फीडिंग द बेबी, बर्ड जो है अपने बच्चों को खिला रही है। सो इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूज नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वॉज फीडिंग एंड सपोर्टिंग सो मैनी ऑफ, सपोर्ट करना इतने लोगों को, वो इतने लोगों का खर्चा वहन कर रहा है, इतने लोगों को खिला पिला रहा है, कितने लोगों को, ये जानने का उसको समय ही नहीं था, उसको उसकी चिंता ही नहीं थी। बड़ा खुले दिल का आदमी था। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, ऐसा दयावान व्यक्ति, इतना दयालु, इतना लापरवाह आदमी। सच ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन, सच ए चैरिटेबल, इतना दयालु, इतना लापरवाह व्यक्ति। एंड येट ही हैड एनिमी, और फिर भी उसके दुश्मन थे, ये ऑथर का कहना, ऑथर आश्चर्य कर रहा। एंड येट ही हैड एनिमीज, आप आश्चर्य सूचक चिन्ह देख सकते हैं, वहाँ लिखा डला हुआ है। आश्चर्य सूचक चिन्ह को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। टू एक्सक्लेम करना माने आश्चर्य करना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मतलब आश्चर्य सूचक चिन्ह। तो इतना बढ़िया आदमी, इतना लापरवाह आदमी, इतना जिंदा दिल आदमी, इतना बिंदास आदमी, फिर भी उसके दुश्मन थे। वॉज इट बिकॉज ही सीम्ड सो क्लोज एंड इंटीमेट विद द बॉस? क्या ये इसलिए क्योंकि वो अपने बॉस के इतना निकट था, उसका इतना स्नेही था, उसके इतने पास था? क्या इसलिए उसके दुश्मन थे क्या लोग? ऑथर इज आस्किंग हिमसेल्फ क्वेश्चनिंग, ऑथर खुद सोच रहा है, मिस्टर अशोक मित्र सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है जिसके कारण उसकी लोग बुराई भी करते हैं, जबकि इतना खुले दिल वाला आदमी। और वॉज ही इन जनरल रिजेंबल्ड ए साइकोफेंट? टू रिजेंबल मतलब मिलान होना, टू रिजेंबल मतलब वैसा दिखाई देना। माई सन रिजेंबल्स मी, मेरा लड़का मेरे जैसे दिखाई देता है। दिस बिल्डिंग रिजेंबल्स ए फोर्ट, ये बिल्डिंग जो है वो एक किले जैसी दिखाई देती है। दिस पिक्चर रिजेंबल्स दैट पर्टिकुलर पिक्चर, ये चित्र जो है वो उस चित्र के जैसा दिखाई देता है। टू रिजेंबल, और उसके बाद साइकोफेंट मतलब क्या होता है? साइकोफेंड मतलब जो लोग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, सस्ती हिंदी में चमचागिरी करने वाले, साइकोफेंड जी हुजूरी करने वाले, हाँ में हाँ मिलाने वाले, ये अच्छा अच्छी चीज़ नहीं होती। हाँ में हाँ मिलाना, जी हुजूरी करना, ये बुरी क्वालिटी है। तो ऑथर कह रहा है कि इतने सब अच्छे गुण होते हुए भी उसके दुश्मन क्यों थे? क्या इसलिए क्योंकि वो अपने बॉस के बहुत निकट था? ही वॉज वेरी इंटीमेट, बहुत क्लोज था, बॉस उसको बहुत पसंद करते थे? या इसलिए कि वो उसका जो चाल चलन था उसमें थोड़ा सा जी हुजूरी जैसा दिखाई देता था, हाँ में हाँ मिलाने वाला उसकी पर्सनैलिटी थी? डेमियनर मतलब व्यक्तित्व, चाल चलन, डेमियनर, डेमियनर मतलब चाल चलन। तो उसका जो चाल चलन था वो एक जी हुजूरी करने वाले व्यक्ति जैसा दिख रहा था, क्या इसलिए वो
लोग उसके दुश्मन थे, और हिज रेडीनेस टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, या क्या इसलिए लोग उससे नाराज थे, उसके दुश्मन थे, क्योंकि वो हमेशा हर चीज़ के लिए अच्छा कहने के लिए तैयार रहता था. हिज रेडीनेस, तैयार रहना टू से नाइस थिंग्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ में अच्छी बात कहने का जो उसका गुण था, हर चीज़ में अच्छाई देखने का जो गुण था, या अच्छा कहने का जो गुण था, टू से नाइस थिंग, क्या इसलिए भी लोग उससे नाराज रहते, किस लिए रहते थे, मैं नहीं जान पा रहा हूँ. इन एनी केस, चाहे कुछ भी हो, इन एनी केस मतलब चाहे कुछ भी हो, देयर वॉज दिस मैन इन द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डायरेस्ट थिंग्स फॉर सुब्बू. There was this man in the makeup department who would wish the direst thing for Subbu. यहाँ कम से कम एक व्यक्ति तो ऐसा था जो सुबह के बारे में ना बुरा कहे. In any case, चाहे कुछ भी हो, there was this man in the makeup department. चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति तो था जो चाहेगा सुबह के लिए सबसे बुरे, सुबह का बुरा चाहेगा.